कम ऑन बेटा, लास्ट टॉपिक। यहाँ पे हमारा यूनिट कवर हो जाता है। शॉर्ट नोट में, शॉर्ट सम में, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या दिया है समझना। एक ही समय 4 मार्क में पूछा हुआ है। यूनिवर्सिटी में द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 4 डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी एंगेज इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आर फॉलो। 4 डिपार्टमेंट है। ए, इतना खर्चा सोचा। बी, सी और डी, ओवरहेड हैज बीन अप्लाइड। तुमने अप्लाइड कितने करे। तो डिपार्टमेंट ए में इतना सोचा था, डिपार्टमेंट बी में इतना सोचा था, सी में इतना सोचा था, डी में। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिपार्टमेंट वाइज अंडर और ओवर। यानी यहाँ पे तुमको यही पूछा है कि अंडर है कि ओवर है। इसमें से आपको एमसीक्यू के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान देना। ये मेथड का नाम है, बराबर है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ब्रैकेट में अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर है के ओवर एब्जॉर्प्शन है, वो देखते हैं। सिंपल फॉर्मेट है बेटा, बहुत टेंशन लेने जैसा नहीं। बहुत सबसे इजी मेथड यही है। पर्टिकुलर क्लियर रिजल्ट, पर्टिकुलर एक्चुअल ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड। अब कुछ नहीं करना, अंदर से देख के लिख कर देना। कितने डिपार्टमेंट थे। 4 डिपार्टमेंट थे। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। सम पूरा मैंने बोला ना, क्वेश्चन से छोटे सम है। ए बी सी डी। अब देखो क्या लिखा है। द फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ 4 डिपार्टमेंट एंगेजिंग एग्जीक्यूटिव जॉब फॉर द अकाउंटिंग ईयर आज फॉलो। यानी ये तुम्हारा खर्चा एक्चुअल में, अकाउंटिंग यानी तुमने एक्चुअल में ये हुआ है। तो मैं एक्चुअल में लिख देता हूँ। ए में कितना हुआ है, 19,300। बी में कितना हुआ है, 4,200। सी में कितना हुआ है, 4,000। डी में कितना हुआ है, 2,000। तो मैंने क्या करा, ये अकाउंटिंग ईयर यानी एक्चुअल में जो हुए वो लिख दिए, लिख दिए। अब आगे क्या दिया, स्टैंडर्ड। डिपार्टमेंट ए 1.5 पर मशीन ओवर 14 आवर, यानी 14,000 आवर काम करा। 1 आवर का 1.5 रुपया, 1 आवर का 1.5 रुपया। तो करो 14,000 आवर मल्टीप्लाई बाय 1.5 रुपया। चलो करो, कितना आता है, 14,000 आवर मल्टीप्लाई बाय 1.5 रुपया। कितना आया, 21,000। यहाँ पे बी के अंदर 3,000 आवर 1.3 का भाव, तो 3,900। डिपार्टमेंट सी 80% ऑफ 6,000, 6,000 के 80%, 8 6 48, वही होता है ना। यस, 950 पीसीस पर पीस 2 रुपये, 950 पीसीस पर पीस 2 रुपये, 950 रुपीज पीसीस मल्टीप्लाई बाय 2, 1900। तो ये आपने सोच के रखा था, तो ये मैंने स्टैंडर्ड में लिख दिया। देख लो, 21,000, 3,900, 4,800, 1900। बस अब तुमको यही डिसाइड करना है कि ज्यादा हुआ कि कम हुआ। क्लियर क्लियर, समझ में आया, समझ में आया क्या करना है। कुछ नहीं करना है, खाली सोचना है कि ज्यादा हुआ है कि कम हुआ है, वो आपको डिसाइड करना है। क्यों, क्योंकि मैंने एक्चुअल लिखा, मगर ये एक्चुअल में है कौन सा, अकाउंटिंग वाला। कि तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने बताए, 19,300। बराबर है, आप क्वेश्चन में ही देख लो आप लोग। पहले मैंने एक्चुअल इसके लिए लिखा है, बेसिकली एक्चुअल स्टैंडर्ड नहीं, पहले इसके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ पड़े कि यहाँ पे कौन सा लिखना है, यहाँ पे कौन सा लिखना है। तो जो अकाउंटिंग ईयर है वो मैंने लिख दिया, यहाँ पे तुम्हारे कॉस्ट बताए। तो ओवरहेड कैलकुलेटेड, अब समझ में आया। ओरिजिनल इस प्रकार लिखना, पर्टिकुलर अकाउंटिंग ओवरहेड, अकाउंट में कितने बताए, तुमने कैलकुलेशन ओवरहेड एक्चुअली कैलकुलेटेड, ओवरहेड एक कैलकुलेट कितने हुए। तो देखो, कंटिन्यू ध्यान दो। 19,300 अकाउंट में बताए, अगर एक्चुअल में हुए 21,000, तो 19,300 माइनस 21,000 तो क्या आया, माइनस 1,700।
तो इसको अपने क्या बोलेंगे, ओवर। भाई सामने से फोन करता हूँ, रख फोन करता हूँ, लेक्चर चालू है, रख क्लियर। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, सॉरी ओवर एब्जॉर्प्शन। एक अकाउंट में 4200 बताए हुए, एक्चुअल में 3900, तो कितने रुपए कम आए, 300 रुपए कम आए, तो इसको बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन। 4000 थे, 4800 हुए, कितने ज्यादा हुए, -800 ज्यादा हुए, इसको लिखेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन। 2000 थे, 1900 हुए, 100 कम हुए, इसको क्या बोलेंगे, अंडर एब्जॉर्प्शन। और हम तुमको नेट इफेक्ट भी बताना है, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे थे, इतना लिख के छोड़ देना है कि अकाउंट में से एक्चुअल जो कैलकुलेट करो माइनस करो, माइनस में आवे तो ओवर, प्लस में आवे तो अंडर, माइनस में आवे तो ओवर, प्लस में आवे तो अंडर। मगर यहाँ पर अपने को नेट भी तो बताना पड़ेगा ना कि नेट क्या आया। तो -700, -800, -2500, -2500 में से 400 गए तो क्या आया, -2000, कितना आया, -2100। माइनस में आया तो इसको क्या लिखेंगे, ओवर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हमारा यूनिट 2 चैप्टर 2 ओवर होता है। जितने भी सम बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट या कॉल कर सकते हो। क्लियर, ओके।